तो करिकुलम की बात हो और वो अपनी बात ना रखें तो पूर्णता नहीं होगी। आदरणीय भाई सुनील बजाज जी, डायरेक्टर एससीआर। आदरणीय वाइस चांसलर सचदेवा जी, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग एवं सभी मंच पर उपस्थित सज्जन और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य साथी, स्कूल एजुकेशन में पिछले 4 वर्षों से योग आयोग के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहले से ही लागू करने के लिए, करिकुलम को लागू करने के लिए उसको अप्रूव कर दिया गया है और वो लेटर सभी स्कूलों में जा चुका है। उसमें पहली से पांचवी तक, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, पहली से पांचवी ना कह के हम कहेंगे नर्सरी से पांचवी तक, क्योंकि अब पहले 3 वर्ष बच्चों को वो भी एजुकेशन के साथ रिलेट करके जोड़ना है, जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी का प्रोग्राम है, FLN का प्रोग्राम है, वो नर्सरी से स्टार्ट हो गया। तो हमने नर्सरी से लेके पांचवी तक योग करिकुलम को, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि बुक्स में हर टॉपिक के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास शुरू कर दिया है, यानी कि 1 से 5 में बच्चे खेल खेल में योग करेंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा उन्होंने योग किया है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण पहले दिया था, एक और देता हूं कि मेज के ऊपर एक कागज की छोटा सा पीस रख दिया और बच्चे को उसको फूंक मार के नीचे गिराना है, कितनी बार में वो नीचे गिरा पाएगा, तो डीप ब्रीदिंग करेगा तो वो कितनी बार लगा रहा है, ये स्टार्टिंग का टॉपिक, जब वो गिनती शुरू कर रहा है, कभी गिनना नहीं सीखा या लिखना नहीं सीखा लेकिन गिनना सीख रहा है, तब वो कितनी बार में गिराया, कोई 2 बार में गिरा रहा है, कोई 3 बार में गिरा रहा है, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन हमारा योग में उसकी डीप ब्रीदिंग ऑटोमेटिक। तो इस तरह से अनेक प्रयास हम कर रहे हैं, अभी पुस्तक अंदर प्रोसेस है, तो जैसे ही आएंगी तो इसमें आपको नजर आएगा कि कैसे योग को हमने पुस्तकों में हर टॉपिक के साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। दूसरा, 6 से लेकर 10 तक पिछले 2 वर्षों से NCERT की जो पुस्तकें हैं वो हमने अडॉप्ट की हुई हैं। 6 से 8 की पुस्तकें प्रत्येक विद्यालय में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाती हैं और वो इस वर्ष भी सभी विद्यालयों में समय से पहुंच गई थी और हर एक विद्यालय में 6 से 8 की योग की पुस्तकें पहुंच गई हैं। और 9वीं 10वीं में भी जो NCERT की पुस्तक है वही हमने लागू की है। आज हमारे साथी अभी जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे विद्या भारती से, उन्होंने बताया कि कुछ चीजें और ऐड करी जा सकती हैं, तो हमारे पास पूरा वर्ष है, लगभग अक्टूबर के महीने तक हम इन पुस्तकों को दोबारा से रिव्यू करेंगे और जो भी सुझाव आएंगे, क्योंकि NCERT की पुस्तकों में हम 10% का बदलाव कर सकते हैं। हमने NCERT की पुस्तक तो बेसिक वही रखेंगे, लेकिन जो सुझाव आएंगे, जो बदलाव हम चाहेंगे, अगर संभव होगा तो वो सारा हम बदलाव, जैसा सुझाव आएंगे हमारे पास, हम उसको बदलाव करने के लिए तैयार। 11वीं 12वीं के लिए पीछे योग आयोग चेयरमैन और चेयरमैन हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और SCERT ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी थी और उस मीटिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि 11वीं 12वीं योग एक विषय के रूप में अलग से पढ़ाया जाए, इसके बारे में जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, तो वो भी हम प्रोसेस में है और जल्दी ही 11वीं में योग एक विषय के रूप में आ जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास शुरू होगा। तो नर्सरी क्लास से हम मतलब माने नर्सरी टू फिफ्थ बच्चा इनबिल्ट जो है करिकुलम का पार्ट बनेगा योग। तो इन सभी और इसके अलावा योग क्लब के बारे में, जैसे पहले हायर एजुकेशन में बन चुके हैं तो हमारी तरफ से भी एक स्पेशल फॉर्मेशन के साथ कि इतने बच्चे हैं तो इतने मेंबर होने चाहिए योग क्लब पे, ये भी पत्र जारी हो चुका है और सभी विद्यालयों में योग क्लब बनाया जाएगा। और जैसे ही हमने बताया कि NSS और NCC के माध्यम से जैसे उनको क्रेडिट दिया जाता है, तो योग क्लब को भी जब जैसे हायर एजुकेशन में क्रेडिट देने का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो स्कूल एजुकेशन भी हम इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू। तो केवल मात्र चर्चा नहीं, उन पॉलिसीज का डिस्कशन नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हैं मंच से हो रहा है, हृदय से अभिनंदन करते हुए। अब मेरे को लगता है कि जिस व्यक्तित्व को सुनने के लिए